मैं थैंक बोलना चाहूँगी मेरे सर को, डायरेक्टर सर को, और मुकेश सर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मुझे चूज़ किया. और ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मुझे इतनी सी कम एज में इतना बड़ा कैरेक्टर मिला है. जो आज मौसी जी का कैरेक्टर मैंने किया है, जिनका नाम कमला देवी जी है, तो मैं आगे चल के ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस मूवी से. तो शिवानी जी, भक्ति भाव से ओतप्रोत है ये सब्जेक्ट, तो क्या कहना चाहेंगे आज के जमाने में जब देख रहे हैं कि वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है और इतना ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पेश किया जाता है कि नाड़ी की औरत को, तो क्या समझते हैं कि इतना ज्यादा चेंज आने की जरूरत है? मतलब इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम इस वे से भी इसको देखा जाए तो आज ये चीज़ भी हम आगे लेके जा सकते हैं. इसमें भी हम ऐसे बहुत कुछ मैसेज दे सकते हैं जो आज वेब सीरीज है. ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ करके अपने आप को फेमस कर सकते हैं या उस वे पे. आज भाव भक्ति से भी हम बहुत कुछ लोगों को मैसेज दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम ये कर सकते हैं तो वेब सीरीज़ वगैरह नहीं कर सकते. देखिए, हम आर्टिस्ट हैं, हमें हर तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो हमारे लिए हमेशा चुनौती होगी और हमें हर तरह के कैरेक्टर को प्ले करना पड़ेगा. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रखता है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो ना, तो आप हर तरह का प्रोजेक्ट और हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर सकते हो. पर ये नहीं लगता कि जब आप एक इमेज में ग्रेट, मतलब वो कैद हो जाते हैं कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट कर रही हैं और इसी इमेज में आगे चल के आपको रोल ऑफर किए जाएंगे? अगर रोल ऑफर किए जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज का टाइम है और इन चीज़ों का टाइम है, तो अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं कुछ मायथों या कुछ धार्मिक चीज़ों में आगे बढ़ती रहूँ, तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को लेके जाऊँगी आगे. बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे मुझे प्रोजेक्ट मिला करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बोल सीन ही करते रहो. मैं नहीं ऐसा मानती. जो रियलिटी है उसको प्रेजेंट करना, उसमें आप किरदार निभा रहे हो, सबसे अच्छी चीज़ ये है. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्रोजेक्ट को करके. आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोजेक्ट करना? एक्चुअली मैंने कभी आज तक ऐसा प्रोजेक्ट किया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था. एक्सपीरियंस अच्छा रहा काफ़ी ज़्यादा, और भगवान की कृपा से ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ. शिवानी जी, जो निर्माता है मुकेश अग्रवाल जी और बाल फिल्म जी जो निर्देशक, क्या कहना चाहेंगे उनके विजन के बारे में? कितना अच्छा विजन लेके चल रहे हैं और आगे चल के किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? मैं उनको, सर को तो यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आगे ही हमारे ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, और जो टीनेजर्स हैं उनको ये मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए और वो इस मैसेज से बहुत काफ़ी इंस्पायर्ड हों और उन वो लोग भी सपोर्ट करें हमें इस मूवी को लेकर. तो शूटिंग के दौरान बाल सिंह जी कैसे मेंटर करते थे, कैसे गाइड करते थे आपको, कोई पर्टिकुलर सीन में अगर मान लीजिए कोई सर ने मुझे अपनी बेटी की तरह इस प्रोजेक्ट को समझाया. हम लोगों ने इसको ऐसा कुछ डायरेक्टर या आर्टिस्ट की तरह हम लोगों ने इसको प्ले नहीं किया. हर चीज़ को सर ने मुझे बहुत स्मूथली समझाया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये प्ले किया. और मुकेश अग्रवाल जी जो निर्माता, हम क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? भी यही कहना चाहूँगी, सर से तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा पूरा फोकस कैरेक्टर पर रहता था, लेकिन सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और वो भी मुझे काफ़ी आके जब बातें करते थे तो काफी पॉजिटिव वेव्स देते थे, तो मुझे उससे काफी आगे कैरेक्टर करने में बहुत इजीली हो जाता था. आपके जो हीरो है, आपको उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सबसे पहले जब मैं अपने कैरेक्टर जो जिनका नाम है दाऊलाल जी, जब मैं उनसे मिली थी तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट लगे थे और मुझे ये लगा था कि मैं इनके साथ कैसे प्ले कर पाऊँगी कि, लेकिन उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया. हर चीज़ वो मुझे समझाते थे, एक एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आता था, और बहुत सपोर्ट करते थे साथ में, और फिर हम दोनों काफ़ी अच्छे से प्ले करते थे हमारे कैरेक्टर को. कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे इस कैरेक्टर करके, आपका क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा. हर डेली मैं कुछ ना कुछ सीखती थी. आपको कितनी धार्मिक है, मतलब कितना पाठ पूजा विश्वास करती हैं? बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं. ऐसा मेरे लिए एक भी दिन नहीं होता है कि मैं बिना पूजा करे रहूँ. मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे लिए सबसे पहले टाइम निकाल के मैं पूजा करती हूँ. आपका जो लुक, आपका जो किरदार है, टिपिकल लुक है और आजकल क्या है कि ग्लैमर लुक होता है एक्ट्रेस का, तो आपने एक टेबलेट है, आपका इमेज पे कुछ फर्क पड़ेगा या एक अलग इमेज बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं एक्टर हूँ, एक मैं एक्टिंग करने आई हूँ यहाँ पे. मेरे को जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे मैं ज़रूर प्ले करूँगी, लेकिन मेरी सोच शुरू से यही रही है कि आपका काम पहले बोलता है, ये सब चीज़ बाद में मैटर करती हैं.
ऑडियंस से क्या कहना चाहे खाटू मैं उनसे ये कहना चाहूंगी इस मूवी को जरूर देखें, बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि इनसे सभी को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है और ये मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, जरूर देखें इसको। आपके लिए ये मतलब शुरुआत की आपने आपको सोचा कि आपको करना है ये प्रोजेक्ट, तो क्या था चुनौती जो आपको सबसे पहले? सबसे पहले तो जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। ये वाला प्रोजेक्ट चूँकि हमारे यहाँ सिस्टर लखनऊ में रहती हैं, तो उनके यहाँ श्री मौसी जी आई हुई थी, तो उनसे हमारी बात हुई, तो जब मेरे को मालूम पड़ा उन्होंने 55 साल से पिछले कुछ भी अन्य ग्रहण नहीं किया है, तो एक मन में इच्छा जागी कि ऐसा कैसे संभव है, कोई भी आदमी एक दो घंटे नहीं खाता है तो उसके बाद नहीं उसको बेचैनी हो जाती है, और 55 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, चाय पीती हैं दो कप पूरे दिन में, वो भी बर्फ़ डाल के, वो गर्म चाय नहीं पीती हैं, तो उनसे लगा कि नहीं ये जब इतनी बड़ी भक्त हैं तो इनके ऊपर मूवी बनाए, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू में बोला कि नहीं श्याम बाबा के ऊपर मूवी बनाना वैसे नहीं है और ये थोड़ा सा इजी नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट सोचा और अपने आप कैसे पूरा हुआ हमको नहीं मालूम है। तो सर कोई भी फिल्म बनती है कमर्शियल पर्पस के लिए कि प्रॉफिट हो बेनिफिट हो, लेकिन इन फिल्मों को कैसे समझते हैं कि मार्केटिंग करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है? सर इसका मार्केटिंग का जब हमने बनाने की सोची थी तो उस समय हमको नहीं मालूम था कैसे बनेगी, कहाँ से पैसा आएगा, क्या चीज रहेगी, तो इसका मार्केटिंग का भी और इसका हिट होना और कैसे सुपर हिट होनी है ये सब प्रभु जाने, इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हम लोग का एक टारगेट था, मेन टारगेट एक अच्छी मूवी बने, समाज में एक आईना दिखाएं कि आज भी भक्ति जिंदा है और सदैव जिंदा रहेगी, बगैर भक्ति के कुछ नहीं है। ऐसे पहले के टाइम में तो भक्ति फिल्म काफी हिट करती थी, लेकिन आज के टाइम में सोच बदली है लोगों की, मतलब भक्ति भावना से थोड़ा सा लोग का मतलब दूरी बढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस माहौल में कितना ज्यादा फ्लरिश रहेगा इस फिल्म को? सर देखिए भक्ति कभी भी कम नहीं हुई, हाँ ये कुछ ऐसा प्रारूप हमेशा रहा है कि कुछ लोग छुप के भक्ति करते हैं और कुछ लोग थोड़ा दिखावे में भक्ति करते हैं, भक्ति कभी भी ना कम हुई थी ना होगी, क्योंकि जिस दिन भक्ति खत्म हो जाएगी ये संसार खत्म हो जाएगा। सर आपसे जानना, आपके किरदार भी निभाने इस फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे कैसा अनुभव था इस फिल्म में? प्रभु की असीम अनुपा से, मतलब हमारे उसमें जो है ऐसी विभूति, मतलब क्या नाम है, प्राप्त हुई कि जो उनका आशीर्वाद जो है क्या नाम है संसार में बना रहे, और बहुत अच्छा मतलब क्या नाम है उनका जो है, क्योंकि ऐसे साधारण आदमी किसी तरह से ऐसा संभव नहीं है जो उन्होंने किया, वो एक बहुत ही वंदनीय है। सर आपने जो क्या कर रहे हैं, क्या योगदान है और किस तरह से देख रहे हैं प्रोजेक्ट को? मैं इसको देखता हूँ एक तरह से महिला शक्ति और भगवान की भक्ति, ये दोनों चीज का मेल है। एक महिला शक्ति जो अपने पति का स्वर्गवास होने के बाद में भी इतनी भगवान में लीन हो गई कि वो 50 साल तक जो मुकेश जी ने बोला अभी कि अन्न ग्रहण करे बिना इतनी भक्ति करती है, और उनकी उनमें अभी 80 साल की ऊपर से उम्र होने के बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति है कि वो कितना योग करती है उसके बारे में, तो वो मैं बोलूंगा कि इसमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति जो खाटू श्याम जी की भक्ति है और महिला शक्ति है, ये दोनों चीजों का बहुत अच्छा रूप देखने को मिलेगा आपको इस पिक्चर में, वही चीज का मैसेज। एक्चुअली ये फिल्म मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी मौसी जी के बारे में, जैसे मैंने मुकेश भैया से सुना, बाकी लोगों से सुना, तो ये फिल्म पूरे दुनिया में खाटू श्याम जी और मौसी जी को फेमस करेगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में, मुझे अब जाके पता चला इनके बारे में, इतने सालों से ये इतनी ज़्यादा शक्तिमान लेडी रही हैं, तो मैं तो चाहूँगी ये फिल्म बहुत अच्छे से चले और सारे लोग इसको देखें और जाने उनके बारे में। मुझे लगता है फिल्म इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने अपनी जितनी भी धर्म कथाएं पौराणिक कथाएं देखी हैं उसके अंदर औरत को हमेशा उसका जीवन उसके जो उनके हस्बैंड थे या उनके फादर थे उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। पहली बार ऐसा कुछ सामने आया है जिसमें इतना वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम आज बात करते हैं वो तब भी 50 साल पहले 70 साल पहले से चला आ रहा है। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आज की औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन इस मूवी से हमको पता चलता है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। फिल्म निर्माता निर्देशक लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितना खुद पे गुमान महसूस हो रहा है?
मुझ पर गुमान नहीं है, फिल्म के ऊपर गुमान है और मौसी जी के ऊपर है, खाटू श्याम जी के ऊपर है। भैया ने हमको जयपुर से फ़ोन किया कि इसी से बात है, हम बोले हम तो तैयार हैं एनी टाइम काम करने के लिए। हम लोग अपनी टीम यहाँ से बॉम्बे से लेकर लगन के साथ किए, देखिए आपके सामने जो भी है। लेकिन जब इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारा लिमिटेशन रखना पड़ता है कि सेट पे भी मतलब जो है धार्मिक भावना होती है, और धार्मिक भावना क्या करना चाहिए। हम लोग सब लोग मर्यादा में थे, हमारी टीम सब हमारी वैसी थी, सब लोग मस्त होकर काम किए और अच्छे से आपके सामने सब चीजें पिक्चरों के अंदर दिख रहा है। ये फिल्म बनाने का प्रेरणा कहाँ से मिली और मौसी जी भी इसमें झलक दिखेगी? हाँ, मौसी जी की झलक दिखेगी, एंड में हम लोग बताएंगे उनके बारे में कैसे कैसे क्या है, पूरी पिक्चर उन्हीं के ऊपर है। और प्रेरणा मुकेश भैया हैं, इन्होंने बताया उनके बारे में तो बहुत अच्छा लगा है। और जाके मैं मौसी जी से मिला, चार घंटा उनके साथ हम बैठ के बातचीत किए, मैं मुकेश भैया और उनके बारे में पूरा, और मौसी जी के साथ बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें किए जो पिक्चर में हम लोग डाले हैं। मुकेश जी, जानना चाहें कि ये प्रेरणा कैसे मिली कि मौसी जी के ऊपर जीवन। चूंकि मौसी जी के जो त्याग की मूर्ति है, जैसे आज के दिन हम लोग आज के दिन भारत में जी रहे हैं, तो जो अभी हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आज के दिन नारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण, बगैर नारी के कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज से 80 साल पुरानी, अगर 86 साल की मौसी जी हैं, तो जब उस समय भी नारी के बगैर कुछ नहीं चल सकता था, तो लगा कि जब इतना पौराणिक है तो हम लोग कैसे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ये तो प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को लिया हाथ में और आप लोगों के सब सामने हैं। और रही बात सर आपके कि कैसा हम लोगों ने वहाँ पे बर्ताव किया, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं अभी स्टेज पे भी आ रहे हैं तो सब लोग चप्पल उतार के आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि नहीं, हम लोग यहाँ मौसी जी, श्याम बाबा, मौसी जी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोग मतलब पवित्र मन से, पवित्र धर्म से हम लोगों ने काम किया है, प्रभु सब अच्छा करेंगे। जय श्री कृष्ण की बात की जाए, पुराण की बात की जाए, तो मीराबाई जी का आज भी चर्चा होता है, तो आज के दौर की मीराबाई की मिसाल कह सकते हैं मौसी जी को? मीराबाई जी के बारे में मेरे को बहुत तो अनुमान नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर उनसे किसी से भी कंपेयर करना मौसी जी के लिए बिल्कुल नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे लिए तो मौसी जी आज के दिन भगवान के रूप में हैं, क्योंकि उन्होंने जहां पे भी हाथ रख दिया, जिससे जो कह दिया, उनसे जिसने जो मांग लिया उसका वो काम हो गया। क्योंकि शायद आपको जानकारी में नहीं है, खाटू श्याम बाबा नहीं है, उनको हारे का सहारा बोला जाता है, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, तो जब उनमें इतनी शक्ति है कि जो हार जाए वो श्याम बाबा के पास पहुंच जाए, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं, तो जो उनकी भक्त है मौसी जी, तो मेरे को लगता है कि किसी से किसी का कंपेयर नहीं हो सकता, ये स्वयं में भगवान है। जी, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर रत्नेश जी, बात की जाए आपको जब आया सब्जेक्ट इस पर म्यूजिक बनाना है, तो आपने क्या क्या आपने सोचा, किस तरह से म्यूजिक पे ध्यान रखा आपने? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन बड़ा भक्तिभाव रहा है, और खाटू श्याम बाबा का नाम आते ही उनके पूरे जीवने को मैं जानता था, कैसे उनकी शुरुआत कैसे कैसे क्या हुई। इसमें नई बात थी आदरणीय मौसी जी, जो जीवन में प्रैक्टिकल तौर पे जो आदमी खाना नहीं खा रहा है या रियल जीवन जी रहा है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक जिज्ञासा की बात हुई कि एक ऐसे शख्सियत के लिए हमको काम करना है जो कि रियलिटी में ऐसा जीवन जी रहा है। मिलने का तो बड़ा मन था लेकिन ऐसा माहौल नहीं बन पाया, लेकिन बड़ा जिज्ञासा। इसमें 3 सॉन्ग हैं और तीनों गाने आपने सुने, बड़े मार्मिक हैं, और ये खाटू श्याम बाबा और मौसी जी का आशीर्वाद है कि ऐसा जहन, ऐसा दिमाग में उन्होंने दे दिया कि ये सारे गाने बन गए, उन्होंने बनवा लिए, और बड़ी कृपा है मौसी जी की। नई बात की, अभी आप संबोधन में कह रहे थे कि जो है बालकृष्ण जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको जानना मतलब बालकृष्ण के रूप में जानना जरूरी है, तो कहना चाहे आपको इनका बहुत पुरानी मित्रता है, क्या चीज़ें शेयर करना चाहें, बताना चाहेंगे कितना? देखिए, ये हमारे एक ऐसे डायरेक्टर हैं, इनके बाल कृष्ण रूप को हमने जो ऑडियंस में दर्शाया है, इसलिए कि जो इनको रियल में अंदर से जान जाता है ना, तो वो नामकरण को पहचान जाता है, और जो नहीं जाना, अब उसको जानने में जितने साल लगे वो उसका भाग्य दुर्भाग्य, लेकिन हमने इनको उस रूप में देखा और बड़ा ही
एक प्यारा दोस्त पाया हमने जीवन में, एक बाल कृष्ण, जैसे कृष्ण का मैं भी भक्त हूँ तो मैं इनको बाल कृष्ण में वैसे ही मोहब्बत भी करता हूँ। कितने गाने हैं इसमें? इसमें 3 सॉन्ग हैं और तीनों गाने बड़े अच्छे मार्मिक गाने हैं। और इस फिल्म को गाने से पहले हमको बालाजी ने बहुत पहले हमको कान में डाल दिया था, ऐसे फिल्म में गाने आपको बनाने, आप सोचना शुरू कर दीजिए। तो मैं उस पर सोचना भी एक भक्ति है कि भाई आप खाटू श्याम बाबा के बारे में सोच रहे हैं, मौसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक और हमको बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था कि आप मुकेश जी हैं। मुकेश जी के बेटे को मैंने संगीत भी सिखाया है बाल कृष्ण जी के रिकमेंड पर, तो ये भी एक सौभाग्य मिला मुझे जुड़ने का कि शुरू से ही मैं जुड़ गया। तो अग्रवाल फैमिली का बहुत ही मैं शुभेच्छा वो करता हूँ कि आज उनके अनुकंपा से ये काम पूरा हो। गौरी जी, आपने अच्छा संवाद लिखा, आपने क्या कहना चाहेंगे इस यंग एज में संवाद जो चीज़ें, मतलब एक गहरा एक उम्र होता है आदमी का, तो संवाद अच्छा लिखा, जैसे एक संवाद था कि रंगमंच है ये दुनिया, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं इस फिल्म को? एक्चुअली हमारे, जैसे कि सबने बताया कि हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका नाम बालकृष्ण जी हैं और हमारे निर्माता हैं मुकेश अग्रवाल जी। तो सर हमारे पास आए एक्चुअली, तो हमें मतलब वो हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मौसी जी पे हमें एक बायोग्राफी बनानी है जो कि खाटू श्याम बाबा की भक्त है। तो बोला ठीक है, तो फिर हम सब बैठे, हम सब लोग मिल के, एक्चुअली वो बायोग्राफी है तो उनके बारे में हमें स्टोरी बताएगी कि उनकी ये जीवनी है, इन पे मतलब हमें फिल्म आना है। तो हम सब मैंने बैठ के मेहनत किया उसको लाइक लिखा, प्लस मैंने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब असिस्ट भी किया डायरेक्शन में, तो स्टार्ट से एंड तक हम सब ने फिल्म को मतलब बनाया। तो संवाद जो लिखा है आपने, तो कैसे मतलब तैयारी किया उस चीज़ के लिए कि संवाद में बहुत मतलब गहराई होनी चाहिए? ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे डायरेक्टर साहब से ही आया था, उन्होंने ही मुझे बोला, मुझे एक्चुअली सीरियसली आइडिया नहीं था कि मैं मतलब डायलॉग लिख सकती हूँ, बट उन्होंने बोला नहीं तुम लिखो। तो मैं लिखते गई तो धीरे 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 फिर कुछ मतलब हम जब लिखते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी डायरेक्टर साहब बोलते थे नहीं ये नहीं जा रहा, ये कट कर दो, ये कट होती थी, बाकी बस लिखते गए हो गया। डायरेक्शन में बहुत पहले से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा था मुझे डायरेक्टर मतलब बनना है, बट ठीक है उसमें तो मैं लगी हुई हूँ, बट डायलॉग लिखना मैंने कभी नहीं सोचा था, वो इंस्पिरेशन मुझे मेरे डायरेक्टर साहब से मिली है। आने वाले दिनों में आपको राइटर डायरेक्टर दोनों रूप में देखा जा सकता है शायद, मतलब आप सबकी अगर हुई लाइक की आशीर्वाद हो तो शायद राइटर भी बन जाओ अच्छी। फिलहाल अभी तो आप ये फिल्म देख के बताइएगा कि हमारी फिल्म लाइक की कैसी मतलब बनी है, बाकी विश हम सबकी यही विश है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, हमारी फिल्म बहुत आगे जाए। शूटिंग की कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? शूटिंग की यादें हमारे सर जी ताज़ा करेंगे। जी सर, सर जी बताइए, बताएं कुछ मज़ेदार मस्ती में किए काम हम लोग। हाँ, पूरे टीम पता ही नहीं चला हम लोग शूटिंग करते थे, भैया थे, सब लोग थे, हम लोग सीतापुर में हम रहने वाले नहीं लेकिन हम जहाँ चाहते थे वहाँ शूटिंग करते थे, हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ वहाँ पर, जो चाहा वो मिला। सर कोई एक मुश्किल कोई काम ऐसा जो आप नहीं हो पाया वहाँ? वहाँ तो मुश्किल ही नहीं था तो होगा ना कैसे, भगवान के नाम फिल्म खाटू श्याम बाबा की, समझ जाइए कि हमारे ऊपर एक आशीर्वाद, हम जो चाहे वो मिला, जैसा चाहे लोकेशन वैसा सिचुएशन, बाय चांस वो होगी काम जनता के लिए, लेकिन ये बाबा जी का आशीर्वाद ही था कि हम लोग को मतलब कोई डिफिकल्टी, हम लोग ऑटोमेटिकली क्लियर होती गई, बहुत अच्छी फिल्म हमने बनाई। कभी ऐसा लगा कि कोई काम नहीं हो रहा और आपने मौसी जी को याद किया हो? मौसी जी खाटू श्याम जी हमेशा रहते थे साथ में, हम लोग पिक्चर की शुरुआत, पूरे दिन की शुरुआत हम लोग श्याम बाबा के नाम से ही करते थे, मौसी जी के नाम से ही करते थे। इसमें एक चमत्कार जो हमारी फिल्म के लिए हुआ वो ये चमत्कार हुआ कि सीतापुर में नैमिषारण एक जगह है, नैमिषारण तीर्थ बहुत विख्यात है, तो वहाँ पर हनुमानगढ़ी है, तो वहाँ के महंत बजरंग दास जी का बोलना है कि आज तक का कभी भी
हनुमान गढ़ी के अंदर कैमरा नहीं किया, लेकिन प्रभु की कृपा, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद, मौसी जी का आशीर्वाद कि वहाँ पे हम लोग गए, महंत बजरंग दास जी से मिले, सवेरे हम लोग 7 बजे पहुँच गए, उस समय वो आरती करके निकले थे, उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बोले ठीक है आप शूट कर लीजिए। हम लोग को नहीं जानकारी थी कि वहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं है, और हम लोग अपना पूरा कैमरा, पूरी यूनिट, 40-42 लोग हम लोग थे, वो लोग सब लोग फर्स्ट टाइम हम लोग उस मंदिर में पहला कैमरा ऑन किया, हम लोग का पहला कैमरा ही वहाँ पे हनुमान जी के सामने हुआ। जो हनुमान जी वो हैं जो राम लक्ष्मण जी को लेके पाताल से जो निकले थे, वो वहाँ पर वहीं पर आए हुए हैं, तो वो भी अपने अपने श्याम बाबा की इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक चमत्कार है कि मतलब जो आज तक का कभी भी वहाँ पर कैमरा नहीं पहुंचा, और हम लोग 42 लोगों के साथ, पूरी यूनिट के साथ भगवान ने स्वयं दर्शन देके इस पिक्चर के अंदर आए हैं, तो हम तो इसको चमत्कार से कम नहीं मानेंगे कि हम लोग को एक भी दिन, एक समय भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभु सब अपने आप आगे से आगे करते चले गए, और आप लोगों के सहयोग से सब कुछ बहुत अच्छा सब होता चला गया। तो आगे भी बहुत अच्छा होगा।